प्रेज लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं अमित खाड़के प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए वचनों में जाएंगे। आज भी अपनी आशा, अपना भरोसा उस यीशु पर बनाए रखिए। अपने जीवन में हार मत मानिए, निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करने जा रहा है। आमेन। उसका नाम सामर्थ्यशाली है और उसका वचन भी सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। एंड द टाइटल ऑफ माय टुडेज मैसेज इज द हाउस बिल्ट ऑन द रॉक, चट्टान पर बना हुआ घर। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 127 और उसका पहला वचन। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ ही होगा। अगर यहोवा ने हमारा घर नहीं बनाया तो वह घर कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, वह घर कभी भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो यहोवा ही है जो हर एक घर को बांधने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा ही है जो हर एक जीवन को भी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसका 4 वचन कहता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता ही है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया है वो यहोवा ही है। हालेलुया। और जो घर परमेश्वर के बिना बांधा गया है ना, उस घर की नींव जो है रेत पर बांधी गई है, और ऐसा घर कभी भी गिर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के बगैर तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसलिए हर पल हर क्षण हमें यीशु मसीह की जरूरत है। और जैसे वचन कहता है यूहन्ना उसका 15 और वचन 5, यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए अपने घर की और अपने जीवन की सिक्योरिटी, सुरक्षा परमेश्वर को ही बना लो, और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो वो घर कभी भी गिर सकता है, वो जीवन कभी भी बन नहीं पाएगा। उस परमेश्वर को ही अपने जीवन की चट्टान बना लो और अपना जीवन उस यीशु नाम की चट्टान पर स्थापित करो, और परमेश्वर ही हमारे जीवन का आधार स्तंभ, हमारे जीवन का फाउंडेशन होना है। वो परमेश्वर ही हमारे जीवन की नींव होना है। हालेलुया। और जब हम हमारा घर और हमारा जीवन उस यीशु नाम की चट्टान पर खड़ा करेंगे तो उस घर पर कितनी भी बड़ी बाढ़ ही क्यों ना आने दो, कितना भी बड़ा मेह क्यों ना बरसने दो, कितना भी बड़ा आंधी या तूफानी क्यों ना आने दो और उस घर को टकराने दो, लेकिन उस घर का नाश नहीं होगा। वो घर पहले जैसा था वैसा ही स्थिर रहेगा। हालेलुया। उस प्रकार ही अगर हमने हमारा जीवन उस यीशु नाम की चट्टान पर बांध लिया तो हमारे जीवन में कितने भी बड़े संकट ही क्यों ना आने दो, कितने भी बड़े तूफान ही क्यों ना आने दो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आने दो, लेकिन वो परिस्थिति, वो संकट और वो बीमारी हमको छू भी नहीं पाएगी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकट हम पर हावी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। और हम स्थिर रहेंगे। इसलिए परमेश्वर को ही अपने जीवन का भाग बना लो, अपने जीवन का, अपने घर का मालिक बना लो, और हमेशा अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहने दो। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में धन्य मनुष्य कौन है पता है? परमेश्वर की नजर में धन्य मनुष्य वही है जो अपना घर और अपना जीवन उस यीशु नाम की चट्टान पर खड़ा करता है, जो अपना जीवन यीशु के हाथों में पूरी तरीके से समर्पित करता है, वही मनुष्य परमेश्वर की नजर में धन्य कहलाता है। और परमेश्वर की हमसे यही इच्छा है कि हम हमारे निर्णयों में, हम हमारे सारे डिसीजंस में उसको शामिल करें। हालेलुया। हमारे सारे काम उसी से शुरू होने चाहिए और उसी से ही खत्म होने चाहिए। परमेश्वर की हमसे यही इच्छा है कि हम हमारे जीवन में उसको प्रथम स्थान दे, उसको थामे रहे, उसी से जुड़े रहे। हालेलुया। और जैसे हम भजन संहिता 127 और उसका पहले वचन का अध्ययन कर रहे हैं, वचन क्या कहता है? जब तक यहोवा नगर की रक्षा नहीं करता तब तक उस रखवाले का जागना व्यर्थ होगा।
जब तक हम हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंप देते, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी सिक्योरिटी, कुछ भी सुरक्षा नहीं है। इसलिए अपने जीवन का पूरा समर्पण, आधा अधूरा नहीं, पूरा समर्पण आज यीशु को कीजिए। तब वो आपके जीवन की और आपके घर की और आपके नगर की रक्षा करेगा। आज मनुष्य की हालत तो देखो, कितना कष्ट करता है। सुबह जल्दी उठना, रात को देर तक जागना, सिर्फ काम 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 ही करता रहता है। और इतना सब करके भी उसको अंत में सुकून की रोटी भी नसीब नहीं होती। हमेशा घर में झगड़े, शांति नहीं, घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, तो उस घर का और ऐसे जीवन का क्या फायदा कि जिसमें यीशु ही ना हो। और जैसे हम उस गीत को गाते हैं पास्टर डीजीएस दिनाकरन का, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, और जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन ही नहीं। बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 91 और उसका पहला वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की अपने बच्चों से यही इच्छा है कि हम उसकी छाया में और उसके पंखों तले बैठे रहे, क्योंकि हम परमेश्वर में ही सुरक्षित है। और जब हम परमेश्वर के शरण आएंगे, उसकी छाया में रहेंगे, तब वो हमारे लिए भजन संहिता उसका 91 और उसका तीसरा और उसका चौथा वचन पूरा करेगा। हमें हर एक भयली के जाल से छुड़ाएगा, हर एक महामारी से वो हमें बचाएगा, वही हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा और हम परमेश्वर के पंखों के नीचे सुरक्षित होंगे। हालेलुया। हम जहां कहीं भी रहें, फिर चाहे वो पेड़ हो, फिर चाहे वो भाड़े का घर हो, फिर चाहे वो खुद का घर हो, चाहे महलों में रहे, लेकिन परमेश्वर की हमसे यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, हम परमेश्वर को साथ लेकर चले, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहे, उससे जुड़े रहे, उससे थामे रहे। फिर देखो वो हमारे टूटे हुए जीवनों को फिर से जोड़ देगा। हालेलुया। और बाइबल में ऐसी ही एक कहानी हमें देखने को मिलती है, और बाइबल हमें एक जवान लड़की के बारे में बताती है जिसका नाम था रूत। रूत को परमेश्वर की पहचान नहीं थी और उसकी शादी महलोन नाम के एक आदमी के साथ हो चुकी थी। सब कुछ उसके जीवन में अच्छा चल रहा था, वो अपने पति और अपनी सास नाओमी के साथ रह रही थी। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है रूत की 10 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद उसका पति महलोन मर जाता है और वो विधवा हो जाती है। कल्पना कीजिए, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ये हादसा उसके जीवन में हो जाता है। उस प्रकार ही शैतान अचानक हमारे जीवन में नाश करने चला आता है, हमारा जीवन वो बर्बाद करने चला आता है। और बाइबल कहती है इन सब के बाद रूत को परमेश्वर की पहचान हुई, उसने परमेश्वर के बारे में जाना और वो यहोवा की आराधना करने लगी। और रूत जो थी बहुत आज्ञाकारी लड़की थी और वो बहुत अधीनता में भी चलने वाली स्त्री थी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई परमेश्वर का भय मानकर चलता है उसका सम्मान, उसका गौरव यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। रूत की कहानी को ही देख लो, जैसे परमेश्वर ही उसके घर को और उसके जीवन को बांधने चला था। और बाइबल हमें बताती है रूत उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन, रूत की सास नाओमी ने रूत से कहा, मैं अपने देश वापस जा रही हूं और तुम भी अपने मायके वापस लौट जाओ। रूत उसका पहला अध्याय और उसका 16 और उसका 17 वचन, रूत ने अपनी सास नाओमी से कहा, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां आप रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी, और जहां आप मरेंगी वहां मैं भी, और वही मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। रूत ने क्या कहा, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, यह कहना काफी है। और तभी परमेश्वर ने उसका हृदय जान लिया। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं रूत और नाओमी
बेथलहम में आ गए। और बाइबल में हमें देखने को मिलता है उन दोनों की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए रूथ जो है हर सुबह एक खेत में बाले बटोरने को जाने लगी ताकि उसमें से कुछ वो खाने के लिए बना सके। और जिस खेत में वो गई वो खेत एक बहुत बड़े अमीर आदमी का था, उसका नाम था बोअज। और बाइबल कहती है बोअज हर रोज रूथ को देखता था और वो कहता था ये लड़की कौन है जो हर रोज मेरे खेत में आती है और बाले बटोर कर ले जाती है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं रूथ के जीवन पर परमेश्वर का अभिषेक था। हालेलुया। और बाइबल कहती है एक दिन बोअज ने रूथ को शादी के लिए पूछा और उसने कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मैंने सुना है तुमने अपनी सास को बहुत अच्छी तरह संभाला है, उनकी बहुत अच्छी तरह तुमने देखभाल की है और बहुत सारे लोग भी तुम्हारी तारीफ करते हैं, और मैं जान चुका हूं तुम प्रभु का भय मानकर और उसके आज्ञाओं पर चलने वाली स्त्री हो, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। और बाइबल कहती है रूथ उसका तीसरा अध्याय और उसका दसवां वचन, रूथ कभी भी अमीर जवान लड़कों के पीछे नहीं भागी और ना ही वो कंगाल लड़कों के पीछे भागी, लेकिन उसने परमेश्वर की बाट जोई और वो परमेश्वर पर निर्भर रही। हालेलुया। और हम देखते हैं उसके बाद बोअज ने रूथ के साथ शादी कर ली और उसका एक अच्छा खासा परिवार हो गया। और बाइबल कहती है रूथ और बोअज को एक बेटा भी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ही उसके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आया, शून्य से परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। हालेलुया। जो उसका परिवार, जो उसका घर और उसका जीवन जो पूरी तरीके से टूट चुका था, परमेश्वर ने वो नया बनाया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप परमेश्वर के पीछे चल के तो देखो, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। हालेलुया। वो ही आपकी बढ़ोतरी करेगा और वो ही आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपके जीवन की नींव जो है उस यीशु नाम की चट्टान पर बांध लो और वो आपका घर, वो आपका परिवार और वो आपका जीवन स्थिर करेगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसी एक और कहानी है, आइए निकालेंगे मेरे साथ मत्ती उसका 17 और वचन 14। बाइबल कहती है एक पिता यीशु के पास दौड़कर चला आया और घुटने टेक कर यीशु से कहने लगा हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। तब यीशु ने उस पिता से पूछा कितने सालों से ये बीमारी आपके बेटे को है। तब उस पिता ने क्या कहा बचपन से। आप कल्पना कीजिए कितनी दर्दनाक परिस्थितियों में से ये परिवार जाता होगा और शैतान उनके घर को चला रहा था और उनका घर जो है बर्बादी की तरफ जा रहा था। आप कल्पना कीजिए वो लड़का कभी आग में गिर जाता था, वो लड़का कभी पानी में गिर जाता था, कितना दुख वो लड़का उठा रहा था और उसकी वजह से पूरे परिवार को दुख उठाना पड़ रहा था। क्या परिस्थिति होगी, वो किन परिस्थितियों से वो परिवार जाता होगा, आप कल्पना कीजिए। इसलिए बाइबल सही कहती है यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन, शैतान हमारा नाश और हमारा घात करने आता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन, हमें बहुत तायत का जीवन देने के लिए इस जगत में आए हैं। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो दुष्ट आत्मा उस लड़के को छोड़कर चला गया और वो लड़का पूरी तरीके से चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा था। हालेलुया। इसलिए जीवन में कभी भी शैतान को जगह मत दो, आपके घर में, आपके परिवार में और आपके जीवन में कभी भी शैतान को राज्य करने मत दो। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को कोस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जीवन में कभी भी ऊपर नहीं आ पाऊंगा, मेरी बढ़ोतरी नहीं होगी। आज बहुत सारे परिवार भी टूट रहे हैं लेकिन उन लोगों ने और उन परिवारों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने की अनुमति दी तो वो परिवार और वो जीवन कितना सुंदर होगा, आप कल्पना कीजिए।
इसलिए आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में पूरी तरीके से सौंप दो। अपने घर में और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आने की अनुमति दे दो। और परमेश्वर जानता है कि हम उसके बगैर अपना घर और अपना जीवन बांध ही नहीं सकते। फिर चाहे हम कितना भी पैसा ही क्यों ना खर्च करें, कितना भी बड़ा महल ही क्यों ना खड़ा कर दे, लेकिन वो घर कभी भी टिक नहीं पाएगा, वो जीवन यीशु के बगैर कभी भी बन नहीं पाएगा। इसलिए आपके जीवन को आज यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दो, उससे जुड़े रहो। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में और आपके घर में बनी रहने दो, हालेलुया। और परमेश्वर को अपने साथ ले चलो, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस लड़के को चंगा किया, अब इस परिवार को देखो, इस परिवार में कितनी खुशियां आ गई, हालेलुया। आप कल्पना कीजिए, कभी वो आग में गिरता था, कभी वो पानी में गिरता था, किस तरह का वो जीवन जी रहा था। लेकिन अब इस परिवार को देखो, अब इस परिवार में नई शांति आ गई थी, हालेलुया। एक आनंद आया था, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की वजह से, आमीन। अब उस घर पर और उस जीवन पर संकट कभी भी आ नहीं पाएगा। और जैसे बाइबल कहती है मत्ती उसका 7:25, जब मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर को टकराई, फिर भी वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उस घर की नींव जो थी चट्टान पर डाली गई थी, हालेलुया। उस प्रकार ही अपने जीवन की नींव यीशु नाम की चट्टान पर डाल लो, क्योंकि ये जीवन इतना सरल नहीं है, ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। बाइबल कहती है यूहन्ना उसका 16:33, इस संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन तुम्हें सच्ची शांति मुझसे ही प्राप्त होगी, हालेलुया। अगर हमें इस जगत में टिके रहना है, बने रहना है, तो हमें यीशु को थामे रहना होगा, क्योंकि इस जगत में हमें हर रोज एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर तरफ बुरी बातें, बुरी चीजें, हर तरफ बुराई का ही माहौल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा घर और मेरा जीवन इस आंधी तूफानों में, इस संकटों में, इन बीमारियों में टिके रहना है, तो आओ अपने मन को यीशु की तरफ फिराओ, उसी के पास दौड़े चले आओ, और आपके जीवन का पूरा समर्पण, फुल सरेंडर आज यीशु को करो, हालेलुया। आपका घर और आपका जीवन उस यीशु नाम की चट्टान पर बांध लो, हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं मेरे जीवन का तुझे पुनर्समर्पण करता हूं प्रभु, क्योंकि मैं अब जान गया हूं घर तो ईंटों से बांधा जाता है, लेकिन घर, परिवार और जीवन केवल तू ही बांधता है प्रभु, और तू ही आज मेरे जीवन को बांध, मेरे जीवन को तू स्थिर कर प्रभु, ताकि जग में मैं टिक सकूं। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती केवल तू है प्रभु। मेरे जीवन में मैं तुझे अनुमति देता हूं प्रभु, आ और मेरे जीवन को तू स्थिर कर, आ तू मेरे जीवन को तू बांध प्रभु, आ तू मेरे जीवन को तेरे हाथों में ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तू आज मुझे बढ़ोतरी दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में मैं तेरी सारी आशीषों को स्वीकार करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन। अब चिंता मत कीजिए, अब निराश मत होइए, आज परमेश्वर ने आपका जीवन उसके हाथों में ले लिया है, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।